नाउ लेट्स ट्राई टू हैव एन एग्जाम्पल विदाउट एनी रिक्वायरमेंट टू सी की ज्वाइन है क्या चीज सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन सो बेसिक ज्वाइनिंग स्टेटमेंट जो अभी जानबूझ के मैंने रिक्वायरमेंट नहीं लिखी ऊपर ताकि नॉट टू कंफ्यूज यू आइस सिंपल बेसिक ज्वाइनिंग स्टेटमेंट क्या है जब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर दो टेबल है तो एक ज्वाइन तीन टेबल है तो दो ज्वाइन चार टेबल है तो तीन ज्वाइन एंड सो ऑन अब यहां पर देखें सिलेक्ट एम्प नंबर फ्रॉम अब ऐसे सिलेक्ट एम्प नंबर कॉमा ई नेम कॉमा डी डॉट डी ईपीटी नंबर कॉमा डी नेम फ्रॉम ई एम पी स्पेस एलियस जस्ट लाइक अ शॉर्टर नेम टू अंगर नेम फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ई एम पी अगेन एंड अगेन आई विल जस्ट राइट ई इट विल रेफर टू एक्चुअली ई एम पी तो इट्स जस्ट लाइक अ निक नेम देमा डीपीटी इसका निक नेम इसका एलियस है डी अब ये जो वेयर के बाद एक मैंने इक्वेलिटी की स्टेटमेंट लिखी दैट इज एक्चुअली ज्वाइन तो अगर आपके पास दो टेबल हैं जो कि हमारे पास हैं ई और डीपीटी ईपीटी सो यू नीड वन ज्वाइन दिस वन वेयर क्लॉज इज वन ज्वाइन तो अगर तीन टेबल हैं तो इस तरह की आपको एक ज्वाइनिंग स्टेटमेंट और लिखनी पड़ेगी मतलब डी डॉट डीईपीटी ये प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर की डिपार्टमेंट टेबल की इक्वल टू ई डॉट डीई नंबर इंप्लॉय टेबल में जो डीईपीडी नंबर है दट इज अ फॉरन की हम एक टेबल की प्राइमरी की यानी डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की को कंपेयर कर रहे हैं इंप्लॉय uh, टेबल की फॉरन की के साथ जो कि एक्चुअली इंपोर्ट हुई हुई है क्योंकि डिपार्टमेंट और इंप्लॉय का आपस में वन टू मैनी का रिलेशनशिप है बींग डिपार्टमेंट बीइंग अ पेरेंट टेबल एंड एम्प्लॉय बींग अ चाइल्ड टेबल तो पेरेंट टेबल यानी डिपार्टमेंट टेबल की प्राइमरी की इंपोर्ट हुई हुई है डिपार्टमेंट टेबल में एज अम्प्लॉयर टेबल में एज अ फॉरन की वन बेसिक ज्वाइन स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैंने एक टेबल और एड करना है फॉर एग्जाम्पल सैल ग्रेड का या कोई और टेबल तो मुझे इसी तरह की मिलती जुलती ज्वाइन स्टेटमेंट और लिखनी पड़ेगी अदरवाइज आई विल हैव अ कार्टीजन प्रोडक्ट के एम्प्लॉय टेबल की हर रो डिपार्टमेंट टेबल की हर रो के साथ पेर होकर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी विच इज नॉट विच इज नॉट रॉन्ग इट्स अ डिजास्टर एक्चुअली क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी सो लेट्स ट्राई टू डू एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम कोड सो अब यहां देखें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज जो आ रही है वो आ रही है 14. 14 बिल्कुल और उसने हमें अब डिपार्टमेंट नंबर शो किया है टेन द एडिशनल थिंगज की जो डी नेम है ये इंप्लॉयर टेबल को बिलोंग नहीं करता यह बिलोंग करता है डिपार्टमेंट टेबल को दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड डिपार्टमेंट टेबल इज अगर ये डी नेम ना हो फिर तो मुझे डिपार्टमेंट टेबल की जरूरत ही नहीं है डी नेम ना होने की वजह से इंप्लॉय टेबल में मुझे डिपार्टमेंट टेबल इंक्लूड करना पड़ रहा है सिंपल लग रहा है कोई मसला होना ही चाहिए वैसे लेकिन देखते हैं कंपेयर क्या कहता है मैंने वो डी रिमूव कर दिया तो वो कह रहा है कॉलम एम्बिग्युअसली डिफाइंड रीजन डी पी डी नंबर जो है नाउ इट्स अ प्राइमरी की इन डिपार्टमेंट टेबल एंड इट्स अ फॉरन की इन इंप्लॉयर टेबल अब कंपायलट कंफ्यूज हो गया है कि जिस डिपार्टमेंट नंबर को मैं रेफर कर रहा हूं वो कौन से टेबल का है क्या वो एम्प्लॉय टेबल का है या डिपार्टमेंट टेबल का है मुझे अगर अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ यार मैं डिपार्टमेंट टेबल का ही डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले कर रहा हूं तो ये मेरी दिमाग में अंडरस्टैंडिंग है सिस्टम को मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ना है क्योंकि कंप्यूटर इज दी डम्बेस्ट सबसे डम मशीन है मुझे बताना पड़ेगा उसे उसके लिए जरूरी है कि मैं कॉलम के नाम से पहले टेबल का एलियस लिखूं या टेबल का नेम लिखूं इट कैन बी डी और ई पहले डी लिखा था अब ई e ई लिखते हैं तो e से मुराद यह हो गया कि एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर डिस्प्ले करने अब ना के डिपार्टमेंट टेबल का सो इट रिमूव एरर आंसर में चेंज नहीं होगा आंसर प्रॉबेबली वही रहेगा लेकिन द पॉइंट इज कि जब आपकी प्राइमरी की और फॉरन की कॉलम एक ही क्यूरी में लिखते हैं तो यू नीड टू डिस्टिंग्विश द कॉमन कॉलम यानी जिनका नेम सेम है जो कि दोनों टेबल में एग्जिस्ट करते हैं यू हैव टू टेल द नेम ऑफ टेबल यू आर एक्चुअली रेफरिंग टू एज अ टेबल जो कि जिस कॉलम को वो जिस टेबल को वो बिलोंग करेगा एम्प नंबर है ही इंप्लॉयर टेबल में कोई मसले वाली बात नहीं है ई e नेम है ही इंप्लॉयर टेबल में कोई मसले वाली बात नहीं है डी नेम है ही डिपार्टमेंट टेबल में कोई मतलब वाली बात नहीं है मतलब इसके साथ मैं अगर डी लिख भी दूंगा तो इट शुड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम रीजन क्योंकि दिस वुड बी एन एडिशनल थिंग उसे कोई मतलब नुकसान, नहीं हो रहा। फायदा नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा रीजन इट इज नथिंग लेकिन अगर मैं डेप नंबर के साथ कॉलम टेबल का नेम में लिखूंगा इट विल गेट कंफ्यूज एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम सो द पॉइंट इज जो कॉलम रिपीट हो रहा होता है अमूमन प्राइमरी की और फॉरन की रिपीट हो रहा होता है तो यू नीड टू राइट द नेम ऑफ टेबल बिफोर द नेम ऑफ नेम ऑफ कॉलम ताकि हमें यह पता लग जाए या हमें नहीं कंपाइलर को यह पता लग जाए कि किस टेबल के कौन से कॉलम को हम रेफर कर रहे हैं एंड दिस इज अ बेसिक ज्वाइन स्टेटमेंट व्हिच यू नीड टू टेक केयर वेन एवर यू आर यूजिंग मोर देन वन टेबल डबल कोट मोर देन वन टेबल एंड मोर देन वन मीन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन सो रूल इज कि अगर मोर देन वन टेबल है तो नंबर ऑफ टेबल्स हमारे केस में दो माइनस वन दैट इज वन इज द टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट जो कि हमें रिक्वायर्ड है टू हैव अ कंसिस्टेंट और हैव और टू एवॉइड द यू कह लें uh, द कार्ट इजन प्रोडक्ट ताकि हमें अपनी मर्जी का रिक्वायर्ड डाटा मिले राधर देन द गार्बेज डाटा आई मीन द रोंग डाटा जो कि हमें बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं होता